किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको दिखाते हैं गोभी की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। गोभी की नर्सरी में सबसे बड़ी चीज़ है, आपको मिट्टी अच्छे से बनाना है, जिसमें गोबर की खाद और भुरभुरी मिट्टी एकदम बारीक बना करके, फिर 4 फीट चौड़ा और 8 फीट 7 फीट लंबा ऐसे बेड बनाया जाए, उसमें बारीक बीज डाले जाए सामान्य दूरी पर। फिर उसको हल्की मिट्टी ऊपर से डाल करके और छोड़ दिया जाए तो 30 से 35 दिन में यह नर्सरी तैयार हो जाएगी। और साथ में बीज का चयन बहुत ज़रूरी है, जो अच्छा आपके एरिया में जो बढ़िया बिक रहा हो उसी को ही लगाया जाए। आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं नर्सरी। फूल गोभी की नर्सरी किसान कैसे डालें? देखिए, ये फूल गोभी की नर्सरी है, इसको 4 फीट चौड़ा 10 फीट 8 फीट लंबा, जितनी लंबाई जैसे हो सके इस तरह से बेड बनाया जाता है ऊंचा। बेड बनाने के बाद इसमें बीज का हल्का हल्का बिखराव करें, जो सामान्य दूरी पर हो, जैसे इसमें ये पड़ा हुआ है। ये क्लार्ज की माधुरी गोभी है, जिसकी नर्सरी देखिए कितनी बेहतरीन है, आज ये लग जाएगी। नर्सरी सामान्य दूरी पे हो और लगभग 25 से 30 दिन में खेतों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, आज ही ये लगेगी, आज लग जाएगी। इसके बाद जो है आगे का वीडियो बनाएंगे, जब फूल आएगा कटिंग होगी सारी व्यवस्था। खेत की तैयारी हो गई, इसकी तैयारी के लिए जो आलू का बेड बनाता है मशीन, उसी मशीन से पूरी खाद दवा सब डाल करके पूरा बेड बना दिया गया है। अब उसमें पानी डाल करके बस सीधा पौधा लग जाएगा। ये पौधा लगाने के बाद सिर्फ एक देखरेख करनी है, कीड़े ना लगने पाए, बाकी साफ़ सफाई का कार्य इसी तरह से चलता रहेगा और ये फूल गोभी जो है लगभग 60 से 70 दिन में तैयार हो जाएगी। लगभग मानकर चलिए वही 20-25 जनवरी के बाद इसकी कटाई शुरुआत होगी। इसको इस तरह से लगाया जा रहा है ताकि फरवरी वाली जो सहालक है शादी विवाह का, उसमें निकले, जिससे रेट अच्छा मिले हम लोगों को, इसी के लिए इस तरह से तैयारी की जा रही है। ये भी किसान फूलचंद जी का है जो कि यहाँ खड़े हैं। आगे पालक कट जाएगी तो इसमें भी लगेगा, अभी पालक में जो छोटी नर्सरी बचेगी इसकी पालक में लगेगी, जो बड़ी तैयार है वो आगे लग जाएगी। कृषि जागरण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।